third quality control tool that we are going to discuss now is histogram. Histogram is mainly used to analyze a process by examining the location of mean value. Basically, histogram, जैसे आप सोच सकते हैं कि history के साथ भी इसका relation हो सकता है कि time के साथ साथ जो मुख्तलिफ functions आ रहे हैं उसमें किसकी strength कितनी ज़्यादा है या किसकी frequency कितनी ज़्यादा है एक से ज़्यादा causes अगर आप रूट कॉज एनालिसिस में फाइंड आउट कर चुके हैं तो हिस्टोग्राम के ज़रिए हम उस कॉज की इफ़ेक्टिवनेस या उसकी नंबर ऑफ अकरेंस को देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी कितनी मरतबा परफॉर्म हो रही है इसे हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन क्रिएटिंग ए हिस्टोग्राम ए रेंज ऑफ डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेक्शन हैविंग है यूनिफॉर्म स्पैन एंड द नंबर ऑफ डाटा कंटेंड इन ईच सेक्शन या नंबर ऑफ अक्रेंसिस जिन्हें कहते हैं इज़ काउंटेड टू डेवलप ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर लेट कमर्स बहुत ज़्यादा हैं तो लेट कमर्स में बंदों की एज के साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी जेंडर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी एक कॉज को देखने के लिए हिस्टोग्राम में हम मुख्तलिफ्रीगेशन कर सकते हैं अपने डाटा को मुख्तफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं देन ए ग्रैफ इज़ फॉर्म्ड फ्राम दिस टेबल बाई यूजिंग वर्टिकल बार्स बार ग्राफ जिनको हम आगे ग्राफ्स में डिस्कस करेंगे उसके ज़रिए हम अपनी टेबल्स को फॉर्म करते हैं ईच हैविंग हाइट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अकरेंसेस इन ईच सेक्शन और इसके ज़रिए हम प्रॉब्लम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि सबसे ज़्यादा अकरेंस किस प्रॉब्लम की वजह से है कितनी मरतबा प्रॉब्लम आ रही है तो डिग्री ऑफ वेरिएशंस जो एक ग्राफ के अंदर पाई जाती है उसमें जेंडर की वजह से कोई फ़र्क आ रहा है एज ग्रुप की वजह से फ़र्क आ रहा है सुबह में या शाम में काम करने वालों की वजह से फ़र्क आ रहा है या किसी एजुकेशन लेवल से फ़र्क आ रहा है तो हम अपने डाटा को मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एक समझ में आने वाला हिस्टोग्राम आपके सामने है जैसे फाइनल एग्ज़ाम का स्कोर जिसमें एवरेज सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद थे उनका एवरेज रिज़ल्टिक्सटी टू पॉइंट फाइव आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन एटीन पॉइंट टू आ रही है इसमें नंबर ऑफ स्कोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर और एग्ज़ाम के स्कोर को या स्टूडेंट्स ने जो नंबर लिए हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्स एक्सिस पर सिक्सटी फाइव हमारी सबसे ऊंची बार है डेफिनेटली जो मीन है यकीन उस पर ही पाए जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है आपको नज़र आ रहा है कि ये एक गौशन कर्व की तरह की बात बनती है लेकिन ये गोशन कर्व किसी एक साइड पे टिल्ट है जैसे ये इस वक्त हमें स्क्यूड नज़र आ रही है कि हमारा डाटा इस साइड के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडेड है जबकि यहाँ पर ये कम एक्सपेंडेड है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क नज़र आता है कि 95 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है जो आम तौर पे जो एक्सट्रीम नंबर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाले या बहुत कम नंबर लेने वाले आम तौर पर क्लास में बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन इस डाटा से हमें नज़र आ रहा है कि जो बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाले हैं वो भी एक अच्छा नंबर उन स्टूडेंट्स का भी पाया जा रहा है तो डाटा को इस अंदाज से रिप्रेजेंट करके हम डाटा की सिक्यूड हालत यानी किसी एक साइड पे उसका झुका होना देख सकते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने इस हिस्टोग्राम के ज़रिए हिस्टोग्राम के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने मीन की लोकेशन कि इधर वो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दरमियान में पाया जाता है या अगर सिक्यूड है तो फिर एक साइड पर पाया जाता है तो हम उसकी डिग्री ऑफ़ वेरिएशन को भी देख सकते हैं और उसकी पोजीशनिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं वी कैन फाइंड आउट द स्कोप ऑफ डिफेक्ट यानी कोई डिफेक्ट कितना ज़्यादा सवेरिटी के साथ है या उसकी नंबर ऑफ़ अक्रेंसिस कितनी ज़्यादा हैं हिस्टोग्राम के ज़रिए हम इसको भी मेजरमेंट करते हैं एंड वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि वो एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम problem और प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड भी है तो हम इन मुख्तलिफ़ पैरामीटर को हिस्टोग्राम बनाकर आइडेंटिफाई किया किया जा सकता है